वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। आज फ्राइडे है, मेरे साथ जगवीर है। जगवीर, आप अपनी दिक्कत बताओ, कैसे आए थे, कितने दिन से कर रहे हो, और जो सारे सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे अभी, उन सब सवालों को आप पूछो ताकि मैं दर्शकों तक ये सवाल और जवाब दोनों पहुंचा सकूं। सर, मेरा अपर बैक स्टिफ था, ऊपरी साइड, और काफ़ी टाइम से इधर साल हो गए बॉलिंग डालते स्टार्ट हुआ था, तो मैं आज फिफ्थ डे आया हूँ अगर, और काफ़ी स्टिफनेस काफ़ी कमजोर हुई, मतलब कम हुई उससे, मतलब कपिंग से और नीडलिंग से। तो आप सवाल मुझसे पूछ रहे थे, वो सवाल दोबारा पूछूंगा, मैं उनको जवाब देता हूँ। मैं एक तो सर मैं पूछा था कि एक्सरसाइज में कौन सी करनी है अपर बैक की, और इस साइड रोटेट करने में लेफ्ट साइड करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, अभी भी है हल्की फुल्की, मतलब अभी भी हार्ड वर्क करता हूँ, कोई वेट उठाता हूँ तो होती है। तो देखें कि हर किसी की कोई भी मसल्स इक्वली बैलेंस नहीं रहती, आप इनके भी देखेंगे तो आप गर्दन की तरफ फोकस करें, तो ये मसल जो है वो लंबी है, ये मसल जो है जो मैं पीछे से देख सकता हूँ, इस वक्त आप कैमरे से सामने में देख रहे हैं कि गर्दन हल्की सी इधर झुकी हुई है, बिल्कुल इधर झुकी हुई दिख रही है जी, है ना, तो हल्की सी ये उल्टी तरफ बेंड है, तो इसका मतलब ये कि ये मसल खिंची रहती है हमेशा, ये मसल हमेशा दबी रहती है, अभी मसल हमेशा खिंची रहती है, तो आप बार बार क्या करते हो, उसको खींचते ही रहते हो ना जी, जब ये खींचना बंद कर दोगे, इस मसल को खींचना चालू कर दोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अब आपको क्या करना है, उल्टा खींचना है इसको, जो छोटी हो गई है इसको खींचना है, ये जो लंबी हो गई है बार बार इधर मोड़ मोड़ के, इसकी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देना है, ये चीज आपको करनी है। बात रही आपकी एक्सरसाइज की, यानी क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए भाई साहब, अपर बैक, लोअर बैक, नेक, वेक, सब कुछ एक साथ ही चलता है। अच्छा, ठीक है ना, अपर बैक अलग नहीं चलेगा, और अपर बैक में तो बहुत कम से कम मूवमेंट होती है, आप अपनी एक्सरसाइजेस सारी करें, पूरे शरीर की सारी चीजें अपने आप से बेटर हो जाएंगी। मैं आज इनका दोबारा से एडजस्टमेंट करके आपको बताता हूँ कि क्या क्या इनको दिक्कत है, कैसे चीजें बेटर हुई हैं। कोई और सवाल हो आपका जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो और हम उससे आंसर लेना चाहते हो? तो मेरे अपर बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो मैंने वो सवाल आपसे पूछा। तो अब देखिए, किसी के भी घर पे या जो लोग बैठे हुए हैं, अगर स्टिफनेस टाइटनेस से प्रॉब्लम है तो आप अपनी एक फोटो खींच लें, ये देखेंगे आप कितना स्ट्रेट हैं, कितना किस तरफ झुक रहे हैं, तो जो जिस तरफ आप झुक रहे हैं, जैसे ये लेफ्ट की तरफ झुक रहे हैं, तो अब इनको क्या करना है, इसको इसकी तरफ खींचना है, तो वो सारी एक्सरसाइजेस करें जिनसे मसल को आप खींच सकते हैं, ये सारे इम्बैलेंसेस आप अपने घर पे बैठ के भी ठीक कर सकते हैं। आप योगा का सहारा लें, योगा से बेटर कोई तरीका नहीं है एक्सरसाइज को इम्प्रूव करने का, बॉडी को बेटर करने का, और जब आपको दिक्कत होने लग जाए रोजमर्रा की, जैसे आपको थी डेली उठने बैठने चलने फिरने या अपने काम पे आप ध्यान नहीं लगा सकते, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इलाज यानी कि ट्रीटमेंट करके देंगे ताकि आप दोबारा अपनी एक्सरसाइज कर सकें। मैं इनकी गर्दन का एडजस्टमेंट दिखाता हूँ पहले सिटिंग पोस्चर में, ये टाइट है, इजी, ओके, रिलैक्स, वेरी गुड। अब आप उल्टा लेटेंगे, वेरी गुड। अब मैं इनकी बैक को देखूंगा, इनके नेक पे प्रेशर है, इस पार्ट पे काफी ज्यादा प्रेशर है, अगर मैं बैक को भी ऊपर करके देखूं तो मुझे साफ साफ इसमें नजर आ रहा है कि ये मिडिल बैक और ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे है। जब हम पेशेंट को रेगुलरली बुलाते हैं तो हम उनका नीडलिंग करते हैं, कपिंग करते हैं, मसाज वगैरह जो भी पेशेंट के हिसाब से होती है वो करते हैं। गर्दन को उसको मोड़ लो, वेरी नाइस, इधर मोड़ लो, वेरी गुड, वेरी गुड। अब नीचे कर लो, सारी छोटी प्रॉब्लम इनको आ रही है जो मिडिल बैक में, ये जो परेशान है वो इस जगह से आ रही है, यही चीज इनको बार बार परेशान कर रही है। एडजस्ट कर देना, हमारा बेचारा एडजस्टर रखा रहता है, हमने ये अभी नया मंगाया था इसको।
एक बार और ट्राई करते हैं, आराम से छोड़ो सांस और लंबी सांस लो, वेरी गुड, नाइस, ओह खुलाइए। अब नहीं तो करवट लीजिए, आप भी वीडियो को देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, मैं इनका पूरा एडजस्टमेंट दिखाने वाला हूँ। ओके, इन्होंने बताया तो मिडिल बैक था, बट जैसे ही मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे काफी ज्यादा टाइटनेस इस जगह पे भी फील हो रही है, आपको भी थोड़ा सा टाइट रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है ना। तो ये जैसे ही मैं इनके, ये लंबा रीजन है, और जैसे ही मैं ये L5 के आसपास आता हूँ, ये सबसे लास्ट वर्टिब्रा होती है लंबर की, जैसे इसके पास आता हूँ देखिए ये डिम्पल और कितना टाइट होता जा रहा है, यानी कि जो पेल्विस है इसके आसपास सेक्रुलाइजेशन यानी कि जॉइंट का टाइट होना या आपस में मिल जाना ये स्टार्ट हो चुका है। बैठने का काम है, किस चीज का काम है? बैठने का काम है कुछ और करें तो यही सारी चीजें इनकी टाइट होने लग गई हैं, इसी को हम सेक्रुलाइजेशन बोलते हैं। अभी तो बहुत कम है, अर्ली स्टेजेस में ही है, कोई ऐसी बहुत ज्यादा दिक्कत इनको नहीं है, बट आने वाले टाइम में जितनी ये टांग इतनी मोड़ पा रहे हैं देखेंगे पेल्विस यहाँ से ये पूरा रोटेट होना कम होने लग जाएगा अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज और नहीं करेंगे तो। अब मैं सी की तरफ ले जाता हूँ आप, क्योंकि ये दुबले पतले हैं मुझे ज़्यादा, देखिए बहुत अच्छे से खुल रहा है। अब उस तरफ आएंगे, अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस तरफ का इनका जो उल्टे पाँव का जो हिस्सा है पेल्विस का, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, उसी की वजह से ये पेल्विस ज़्यादा नीचे जा पा रहा है कंपेयर टू राइट साइड। यहाँ पे ये प्रेशर में है, आपने राइट और लेफ्ट में डिफरेंस था? यस, अ लिटिल और लिटिल। अब मैं इनके पाँव को देखता हूँ, मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इनका जो लेफ्ट पाँव का कर्वेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट हो रहा है कंपेयर टू द राइट, राइट काफ़ी सीधी आ रही है। कभी पाँव में दर्द है राइट में या लेफ्ट में? चलते वक्त बहुत कभी कभी ऐसा इम्बैलेंस होता राइट लगता है ना, देखा राइट पे ज़्यादा वजन डाल रहे हो, लेफ्ट पे हल्का सा प्रोनेशन आने लगा है। सीधा करो, सच नी में कुछ नहीं है, इसको रख लेंगे। इसके बाद कोई प्रेशर नहीं है, वेरी गुड। उल्टा हाथ भी कर देते हैं, इस एल्बम में साथ में भी दिक्कत थी। अब मैं इनकी फुल नेक रिंच एडजस्टमेंट करूंगा, रिलैक्स, छोड़ो ढील छोड़ो, इजी ढील छोड़ो, टाइट हो रही है इधर आते समय, बैठ जाएंगे। अब आज जो हमने एडजस्टमेंट किया है इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? काफी खुला खुला लग रहा है। यस सर, चल के देख के फील करके बताओगे? चलो चलो, आ जाओ बाहर तक, आ जाओ, ज्यादा रिलैक्स लग रहा है? जी सर, जो टेंशन थी कम हुई? यस सर, यस सर, गुड, यस सर। चलो फिर विनस को एक फाइनल वर्ड बोल दो,
कि अगर हम इतने मेहनत से वीडियो बना रहे हो, मैं भी इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और अगर लोग नहीं देखते तो फिर वेस्ट हमारी मेहनत। तो मैसेज दे दो लोगों को। मैं आपको कहूँगा सर, एक बार आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आए यहाँ पे और इसको ट्राई करेंगे। फर्स्ट टाइम इसको आपको रिलैक्स पक्का मिलेगा, जैसे मुझे अभी लग रहा था इतना होगी, काफ़ी ओपन ओपन लग रहा है। काफ़ी टाइम से मैं प्रॉब्लम में था, तो मुझे आज पाँचवें दिन मैं आया हूँ लगातार, तो मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। तो दोस्तों, आपको भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, और आपको जैसा भी हमसे कॉन्टैक्ट करना हो, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दे रखे होते हैं। आप दूर बैठ के हमें व्हाट्सएप भेजते हैं, हम व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन फाइनली आपको हम तक इलाज के लिए पहुंचना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।